नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। ये जेबीटी कमीशन के लिए डेमो वीडियो रहेगी। इसमें हम जो बेसिक बोर्ड मास है उसके ऊपर जो है आपको कुछ जो जानकारी है वो देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेबीटी कमीशन के लिए हमारा हैंड रिटन कोर्स रेडी है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल में जानकारी आप साइड में देख सकते हैं, साथ में आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी, तो आप जो डेमो है वो देख सकते हैं। साथ में ये जो आज की क्लिप है ये टीचमेंट ऐप से शूट करी गई है। आगे आपको लाइव क्लासेस भी जो है इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड मार्क्स, आज मैं आपको जो बेसिक रूल है वो बताऊंगा कि किस तरीके से जो हम जो सिंप्लीफिकेशन के अंडर जो बोर्ड मार्क्स आता है उनके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 9, व्हाट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है जेबीटी कमीशन 2019 में आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक रूल है बोर्ड मार्क्स के वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से बेसिक रूल हैं, जैसे हम बोर्ड मार्क्स को किस तरीके से लिखते हैं, BODMAS, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और के बुक में जो आगे वी भी लिखा होता है, वी विक्ट्री वाला, तो उसका मतलब भी होता है बार, जो जिसे हम विनिकुलम भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। हम बेसिकली जो बोर्ड मास है हम इसको इस तरीके से ही लिखते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसमें छोटी बड़ी कोई भी ब्रैकेट हो सकती है। और जो ये वी विक्ट्री वाला है इसका मतलब होता है बार, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू के ऊपर बार जैसे। और नेक्स्ट वो है ओ, ओ को हम ऑफ बोलते हैं और हिंदी में जो हम इसे का बोलते हैं, इसका मतलब जो है मल्टीप्लाई ही होता है। नेक्स्ट है डिवाइड, जो डी से डिनोट करते हैं, जिसका साइन सभी को पता है। नेक्स्ट है एम, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस। जैसे ये सीरियल वाइज लिखे हैं वैसे ही हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। बहुत से क्वेश्चन जो आपको जो फेसबुक पेज है या फिर अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अगर आपको जो बेसिक बोर्ड मार्क्स का पता होगा तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो किस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जेबीटी कमीशन 2019 में आया था बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आपको दो साइन दिए हैं, तीन साइन दिए हैं, कौन कौन से, एक जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता है उसको हम प्लस काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो साइन है वो कौन सा है, डिवाइड का। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। जो 99 कितना होता है, 19, 9 का 171 होता है, मींस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और आगे क्या हमारे पास बचा, 9। तो जब 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर निकल के आया, 81। तो ये इसका जो राइट आंसर है, हमें ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन दिया था ए जो कि 1 था, बी 18 था और सी जो है वो 81 था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 81 है और जो फोर्थ ऑप्शन था वो नन ऑफ दीज था। तो ये क्वेश्चन जो है जेबीटी कमीशन 2019 में आया था। हम मिलते जुलते जिससे जो बड़ा हार्ड लेवल है उसको भी सॉल्व करेंगे, साथ में पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उनको एक एक करके सॉल्व करके चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 30-5 मल्टीप्लाई बाई 2+3-8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क माने हम लिखा, ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। ये हमारा क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आप ऊपर बोर्ड मार्क्स देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा साइन कौन सा है, हमें जो ब्रैकेट और जो ऑफ है वो नहीं दिया है। इसमें जो सबसे बड़ा जो साइन है वो है डिवाइड का, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कौन सा सॉल्व करेंगे,
मल्टीप्लाई का सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एडिशन और सबसे माइनस में कोई भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो सब एक ही स्टेप में हम इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और एक ही स्टेप में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या निकल के आया हमारे, हमें जब हमने सॉल्व किया तो 30 माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया, 10 प्लस 3 माइनस जब 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आता है, 4, क्योंकि 2 4 जब 8 होता है। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो ये क्लासेस देंगे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। ये जो क्लास है ऑनलाइन लाइव चलेगी, तो आप जिससे आपने जो डाउट है वो भी पूछ सकेंगे। आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब जैसे अकॉर्डिंग टू रूल तो आपको एडिशन सॉल्व करना है, बट आप प्लस और माइनस किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्लस के कौन से हैं, 30 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो कितना बन गया 33, और माइनस के कितने बन गए 10 और माइनस के 4, तो कितने बन गए ये टोटल मिलाकर 14। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो क्या आंसर निकल के आया, 33 में से 14 चले गए तो क्या राइट आंसर निकला, 19। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जो जेबीटी कमीशन होगा, साथ में जो एचपी टैट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हम ब्रैकेट भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 112 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 16 प्लस 14 माइनस 10, क्या इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 8 इंटू 3 बाई 5, ऑप्शन बी है 5 इंटू 3 बाई 5, ऑप्शन सी है 2 इंटू 1 बाई 5, और ऑप्शन 4 है 3 इंटू 3 बाई 5। ये इसके ऑप्शंस हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा जो साइन है बोर्ड मास में आपको पता है बी ओ डी एम ए एस, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी आपको दी है, साथ में ओ नहीं दिया गया है, साथ डी दिया है और प्लस माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है, 16 प्लस के हैं, 14 प्लस के हैं, 16 और 14 30 और माइनस 10 के तो कितना बचा 20, तो 112 डिवाइडेड बाई 20, इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा तो किस तरीके से लिखेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 1 बाई 20, इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। आगे किस तरीके से करेंगे, 2 के साथ आप उसको काटेंगे तो 2 टाइम्स 20 और 2 के साथ इसको काटेंगे 5, 2 5 से 10, साथ में कितना बचा 1, कितने बन गए 12, कितना बन गया 56। आपको इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साथ में फिर से आप 2 से काट दें इसको तो क्या बना 2 5 से 10 और 2 2 से 4, 1 कैरी हो गया, कितना बन गया 16, कितना आ गया 28, 28 अपॉन 5। बट हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पे डिवाइड करके दिया गया है, जो फ्रैक्शंस होते हैं साथ में, तो उस तरीके से किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल तरीके से आप टेबल पढ़ेंगे 5 5 25, ठीक है, साथ में कितने बचे 3, तो किस तरीके से लिखते हैं हम इसको 5 5 25, ऊपर कितने बचे 3 और इंटू में 5, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 5 25 और ऊपर वाला जगह होता है वो ऐड हो जाता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको ये निकालना ना आए तो आप उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से 28 को हम जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 5 5 25, नीचे कितना इसका रिमाइंडर बचा, वो बचा 3, तो उसको जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो भागफल होता है उसको हम जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो जो भागफल निकल के आता है उसको जो हम साइड में लिखते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम जो फ्रैक्शन फॉर्म है बोर्ड मार्क्स की उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्टीन मल्टीपल साथ में यहाँ पर ब्रैकेट दी है, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ब्रैकेट है। 15 ब्रैकेट के अंदर 16 का मतलब ऑफ, इंग्लिश वाले ऑफ करके यहाँ पर देख सकते हैं। 3/4 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन है। जो मैथ जिनको मैथ टफ लगता है वो भी हमारे साथ जुड़े, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है उनको जो है मैथ कवर करवाएंगे, ताकि जेबीटी कमीशन में उनका जो स्कोर है वो लास्ट में फाइनल में अच्छा जो है निकल के आए। इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ा साइन कौन सा है, का को क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो मतलब इसको हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, 4×4, 4×4=16, यहीं से मैंने ये काट दिया, साथ में क्या बना 15 बार चला हुआ है इसका। जब ब्रैकेट के अंदर ही इसमें कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अंदर क्या बचा हमारे पास, 3, 4 और 3 12 बन गए, मल्टीप्लाई का साइन है, साइन है बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे डिवाइडेड बाई 1/2। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आगे की टर्म है वो उल्टी हो जाती है, तो मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1। तो जब हमने डिवाइड किया तो उल्टा, जब हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो क्या बन गया हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या बन गया 24 यहाँ पर ब्रैकेट। और अभी जब सिंगल टर्म होगी तो ब्रैकेट जो है वो हट जाती है, तो क्या बना 15 मल्टीप्लाई बाई 24, इस तरीके से बना। डिवाइड करने का सिंपल तरीका जो हम पर्सनली यूज करते हैं, मैं भी यही फॉर्मूला जो यूज करता हूँ, काफी मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूले हैं, बट जो बिल्कुल सिंपल तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, किस तरीके से जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। जैसे 15 है तो 24 को मैंने 20+4 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर लिया, इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे आप हमें, हम कोशिश करेंगे कि पीछे जीरो लगी हो, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो आसान हो जाता है। किस तरीके से, जीरो की जीरो वैसे आ गई, और 15×2=30 ये बन गया, साथ में 15×4=60, 15×15=15×2=30, 15×3=45 और 15×4=60, तो क्या आंसर बना हमारा इसमें 360। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिए थे इसमें, ऑप्शन आपको भी मिलते जुलते ही दिए थे, कोई 350 था, 360 था, 370 था, यही जो इसमें ऑप्शन थे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, का 1/3 + 2/3 मल्टीप्लाई 1×2/3। हम जो लाइव क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो स्टडी मटेरियल होगा वो सभी मिल जाएगा, साथ में जो मैथमेटिक्स की लाइव क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी, बाकी जो एचपी जीके है वो भी आपका हम कवर करवा देंगे, साथ में जो भी हेल्प होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो सभी डिस्कस होती है। नेक्स्ट देखो इसको किस तरीके से करेंगे, अब इसमें सबसे बड़ा साइन कौन सा है, सबसे बड़ा साइन हमारे पास है यहाँ पर का मतलब ऑफ, इसको हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे साथ में, जिसका कोई लिंक ना हो तो आप उसको फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अब इसमें प्लस लगा है, इन दोनों के बीच में भी कोई और कोई साइन नहीं है, तो आप इसको भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप इन जैसे अब 6 को 48 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड मास में जो ओ है वो पहले आता है, तो हम जो है 6 का 1/3 इसको पहले सॉल्व करेंगे,
ठीक है, तो आइए आपको पता होना चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक ही स्टेप में आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश यही करनी है कि जो इंटरलिंक वाले हैं उनको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें। तो जैसे 48 डिवाइडेड बाई, अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया, मल्टीप्लाई करके जैसे, तो ये तो कट भी जाएगा क्योंकि 3 कम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। साथ में प्लस, जब हमने उसी को फर्स्ट टाइम में सॉल्व कर लिए तो पहले ये तो मल्टीप्लाई में है, जैसे 1 × 2 / 3, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो क्या बना, 3 कम 3 और 3 और 2 5/3, ये इसका बना। साथ में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप इसको भी एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे, तो क्या बन गया, 10/9, 10/9 मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, अगर करते हैं तो आप काट भी सकते हैं, तो ये बना। नेक्स्ट स्टेप में आप किस तरीके से करेंगे, आप डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ 48 को, तो क्या बना, 2 1 2 और 2 4 8, तो कितना बन गया, 24 + 10/9। जब हमने इस कैल्शियम लिए तो क्या बना, इसको 24 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या बना, सेम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो क्या बना, 1, तो क्या निकल के आ गया ऊपर से 10। 24 को आप यहाँ पे 9 के साथ उसी फॉर्मूले से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। किस तरीके से मैंने लिख लिया 20 + 4, इस तरीके से अब 0 आ गई और 9 दूने 18 + 9 चौके 36, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 और 30 कितने बन गए, 210 और 6, 216, तो इसका जो आंसर दिया गया था वो यही दिया गया था, 216/9। आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व होता है, बट इतना इसमें आंसर दिए गए था तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18, कितने बच गए, अभी 3 बच गए, तो कितना बनेगा, 36, तो 9 4 36, तो इसका आंसर क्या निकला, 24। इसका आंसर 24 भी देखने को आपको मिल सकता है, और साथ में यहाँ पे 216/9 जो है यहाँ पर दिए गए था, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक है बोर्ड मास का, आप हमारे साथ जुड़े, आपको जो मैथमेटिक्स है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।